हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। सो आज हम रिएक्शन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सपोर्टर्स बाय आवर वाइंस रैक्स प्रोडक्शन 2018 न्यू। सो पाकिस्तान में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आज 25 आज ही थे और रिजल्ट का तो हमें कुछ पता नहीं है। आप लोग रिजल्ट बताना कमेंट करके, जब तक कि वीडियो आएगा आई थिंक रिजल्ट आ जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, रैक्स प्रोडक्शन, आवर वाइंस, इन दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आगे बात कर, वीडियो देखते फिर आगे बात करेंगे। हियर वी गो। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता पाकिस्तान का तो मुल्क नहीं होता, तो अगर मुल्क नहीं होता तो वर्ल्ड कप खाक होता। ये सपोर्टर कहीं से भी कुछ भी निकाल लेते की बात नहीं है। देखो पहले खुलेआम चोरी होती थी, लोग पिस्तौल निकाल के चीजें ले लेते थे। अब ये मेलन की हुकूमत में खत्म हो गया, हम क्यों वोट ना दें? भाई ये क्या था? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज पे आप बिल्कुल गौर ना दें। ये पीटीआई के लोग थे, पीटीआई के लोग थे। और पीएमएलएन ने हमारे लिए सड़कें कितने खूबसूरत हमवार सड़कें बनाए। पहले जब बारिश होती थी तो पानी सड़कों पे बहता था, सही है, सड़कों पे रहता था। तो अब पीएमएलएन की हुकूमत में पानी, भाई आप पानी से नजर नहीं आ रहा क्या? आप पानी पे खड़े हुए हो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पीटीआई के लोग थे, ये जो है ना पे पानी ला ला के जो है ना गिरा रहे थे। आप इस चीज पे बिल्कुल गौर ना, सपोर्टर्स पीटीआई का। देखो हमारे हमारे मतलब हमारे साथ पीटीआई के लोग मौजूद है, सारे मिलके हमको पागल कहीं आप। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हालत बहुत खराब हो रहे हैं। बाबू आप अपना कैमरामैन मुजवाब आवर वन न्यूज पिशावर ना मालूम। जी भाई आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो जी भाईजान ये लाइव है जी, लाइव है। टीवी पे आएगा? बिल्कुल टीवी पे, हमारे घर में जो टीवी उधर आएगा उसी पे भी आएगा। अम्मी वो मैं आज घर लेट आऊंगा, मेरा मोबाइल बंद हो गया और मैं नासिर के साथ। लेकिन रुकिए, आप पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रहे हैं? वोट तो सिर्फ आमिर लियाकत को देंगे, काश वो मेरे वाले आमिर लियाकत। कितने बेकार तुम बेसी, ओ माया सट करी। आशिक सपोर्टर, आशिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर मोहित शाह और मैं आज खड़ा पिशावर के इलाके आयताबाद में, जहां पे बहुत हुजूम बना हुआ है। उसमें बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। चले इन भाई से पूछते हैं कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे। वोट वोट तो मैं इससे ख्वाहिशा को दूंगा। अरे आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच। वेट वन सेकेंड, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना। अरे पापा आप सस्ते शाहरुख खान, तू घर चल जरा, तुझे मैं ऐसा दिखाता हूँ। सस्ते शाहरुख खान, तुझे मैं बता दूँ, चल कर। मैं तो पीपीपी को सपोर्ट, चल कर। पीटीआई सपोर्टर, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज खड़ा हूँ पिशावर के नामालूम इलाके में, बहुत जोश में रहते हैं ये तो है। चल रही है और मेरी मुलाकात हुई है इस नामालूम शख्स से जिसने अपनी सारी जिंदगी पीटीआई के लिए वक्फ कर दी। आइए इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म कौन बन सकता है। जी पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और 1000 वर्ल्ड कप जितवाने वाला 1000 कलम का सीईओ नवाज शरीफ मरियम नवाज और साद रफीक को नाएहल करने वाला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में 5 खरब डैम बनाने वाला 5 खरब 10 खरब 50,000 करोड़ ग्राफ लगाने वाला और 6,000 साल धरना देने वाला 6,000 साल और पाकिस्तान का कौमी तराना गाने और लिखने वाला एक ही बंदा और माया नाज बंदा इमरान। ये सच बात है यार, बहुत जोशीले होते हैं पीटीआई के सपोर्टर। वोटिंग इज सुपर इम्पोर्टेंट। ये तब्दीली आई भी शायद इमरान खान के सॉन्ग है, बट यार पीटीआई वाले सपोर्टर वाला सबसे बेस्ट लगा मुझे पार्टी। नहीं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स है ना, मैंने जिन जिन से बात किए, मैंने सबसे काफ़ी लोगों से पूछा है कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, तो सब ने यार पीटीआई का ही नाम लिया है। इमरान खान का पलड़ा भारी है भाई, भारी है। मुझे तो लग रहा है ये कन्फर्म है कि जीतना इमरान खान को ही है। तो मैं भी इमरान खान विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो जब तक रिजल्ट्स आ जाए, और वो क्योंकि आज वोट्स वोटिंग थी वैसे, दो तीन दिन बाद आते हैं ना, सेम डे कहाँ आता है रिजल्ट यार। आई थिंक हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था रात को 12 बजे पता चल जाएगा। हमारे तो बहुत टाइम लगता है। आप बताइएगा कब पता चलेगा, हमको तो पता नहीं, और हो सकता है ये वीडियो जब तक अपलोड हो तब तक पता चल जाए। अरे यार एक और मैंने बुरी खबर सुनी थी एक छोटी सी, क्या उसके तो बारे में डिस्कस करना था। क्या क्या कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ है? हाँ यार मैंने भी न्यूज में देखा था कहीं पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है। 22 लोग अपराध का इंतकाल भी हो गया यार। ये मुझे तो लगता है भाई ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना यही करवाते हैं क्योंकि क्या है अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। बट हमारे यहाँ इलेक्शन में इलेक्शन के टाइम पे तो खतरनाक सेफ्टी रहती है, बॉम्बिंग नहीं नहीं पाकिस्तान में। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वहाँ पर 900,000 सिपाही लगे हैं। तो यार इतना सेफ्टी होने के बाद बॉम्ब प्लांट कैसे हो सकता है यार? देखो अब क्या बोलते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स इसके बारे में यार, प्लीज़ बताना। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, और बताना यार जो भी है बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा वो बता दीजिए, और हाँ पीटीआई के सपोर्टर्स समझ में आ गया वो सपोर्टर्स ज़्यादा है, लेकिन हम पर्सनली हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें नहीं पता भाई पाकिस्तान के बारे में कुछ भी। तो कौन सही है कौन गलत है ये तो लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी मतलब जैसे वहाँ पर लड़ाई चल रही है ना पीटीआई और पीएमएलएन जो भी है तो उनकी जो फाइट चल रही है वैसे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट चलती है। हमारे घर पे भी कोई रिलेटिव आता है तो वो सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं कि क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा। हम दोनों ना इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं तो हम इस बारे में बात नहीं करते इलेक्शन के बारे में ज़्यादा, और हम ना वोट देते हैं ना हम कंप्लेन करते हैं। और ठीक है आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।